हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 2022 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, ठीक है। ये इग्नू का BCA में जो सेमेस्टर वन है उसका सब्जेक्ट है मैथ्स है ये। तो इसका फर्स्ट का ए तो हम लोग देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का। और अब आज हम लोग देखेंगे वन का बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, इफ़ वन प्लस ओमेगा ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सो दैट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जून 2021 में भी आया है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा और बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल, आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, टू माइनस ओमेगल का 10 पावर 2 माइनस ओमेगल का 11 इक्वल टू 49। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए आपको दो चीज़ याद रख लेना है, एक ये ओमेगा का क्यूब जो होता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों याद रख लीजिएगा, सिंपल सा बात है, इसी से पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऐसा वाला, ठीक है। ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हम लोग को, सिंपल, जितना भी ओमेगा क्यूब से बड़ा है हम लोग को उसको ओमेगा क्यूब में तोड़ना है, ठीक है। तो ये तो देखिए ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है तो छोटा ही है, ये ओमेगा का पावर 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा 10 इक्वल टू ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा हो गया ना, मतलब ये 3 × 3 = 9 और प्लस ओमेगा मतलब इंटू ओमेगा, तो हो गया ओमेगा का पावर 10, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ओमेगा 3 का क्यूब में ओमेगा का क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए ओमेगा क्यूब का क्या आता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा आ गया, ठीक है। इसी तरह से ओमेगा पावर 11 को भी ब्रेक करेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, पहले ओमेगा 3 का क्यूब हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब देखिए यहाँ पे 3 ये 9 हो गया और यहाँ पे 2 11, तो 11 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो 1 डाल देंगे, उसके बाद फिर 1 का क्यूब हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा स्क्वायर ही होता है, तो फिर इसको इंटू करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, ओमेगा 10 का वैल्यू ओमेगा 11 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब इसको इसमें पुट कर देना है। तो ये जहाँ पे यहाँ तो कुछ नहीं होगा, 2 माइनस ओमेगा ही होगा, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे है 2 माइनस ओमेगा 10, तो ओमेगा 10 का वैल्यू क्या है हम लोग का, ओमेगा है तो 2 माइनस ओमेगा और उसके बाद 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर 11 की जगह पे, ठीक है। तो ये लिख दिए, ये LHS को सॉल्व कर रहे। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, अब ये देखिए ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा और ये 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो ये इसको वो फॉर्म में ले सकते हैं, a माइनस b और a प्लस बी का फॉर्म में, नहीं सॉरी, इसको देखिए ये 2 तो है, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 2 माइनस क्यों ओमेगा का स्क्वायर, ये 2 है मतलब इसलिए, और ये भी 2 है, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर ले लिए, ठीक है। सिंपली अब देखिए ये दोनों का ही स्क्वायर है, तो इसको आप मेन ब्रैकेट में करके ये बाहर लिख सकते हैं, इसको दोनों का ही स्क्वायर है, सेपरेट सेपरेट था, दोनों को एक साथ स्क्वायर पे ले आए, ठीक है। अब सिंपली इंटू कर देंगे ऐसे, इसको सिंपली जो करते हैं, तो पहले इसको 2 से कर देंगे, 24 हो गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, उसके बाद फिर माइनस का माइनस हो गया, फिर 2 को इससे कर देंगे 2 ओमेगा हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है। सिंपली अब इसका स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों में से देखिए आप 2 और ओमेगा को भी कॉमन निकाल सकते थे, पर अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये माइनस था यहाँ पे, माइनस बाहर आ गया इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया और ओमेगा रह गया। देखिए अब हम लोग ये याद रखने बोले थे आपको, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे आप ये निकाल सकते हैं ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको इधर लेके आ गए, 1 को इधर लेके आ गए तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल दिए और इसको इस फॉर्म में लिख दिए ताकि हम लोग ये वाला वैल्यू डाल सके इसमें, ठीक है। और ओमेगा क्यूब का तो पता ही है 1 होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 1 दे दिए। अब यहाँ पे 4 का 4 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे हम लोग 1 लाए थे तो 1 लिख दिए, ठीक है। और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 का 1, 4 2 6 प्लस 7, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हम लोग को यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, देखिए RHS हो गया, प्रूफ हो गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और बस यही ये दो याद रखेंगे, आराम से बन जाएगा ओमेगा क्यूब, बस हो गया। अब इसी का हम लोग 1 का सी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है एवेल्युएट द इंटीजर इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई
एक्स प्लस वन का क्यूब डी एक्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। ये जो जून 2022 का क्वेश्चन है ना, पीछे एकदम आप 2 साल या 3 साल का प्रीवियस कर लेते ना तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाता है, इतना ये है। और ऐसे ही क्वेश्चन आता ही है इग्नू में एग्जाम में, प्रीवियस आप 3-4 साल का कर लेंगे इनफ है, ठीक है। तो इसको जनरली आप इसको लिख देंगे x प्लस वन इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ये जेड मान लेंगे इस नीचे वालों को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये समझ के रखिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर 1 dx का dx हो गया, और z का भी 1 dz हो गया। जनरली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dx आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल टू dz, ठीक है। आप वापस से इतना लिख देंगे, अब इसमें x की जगह पे वैल्यू डालेंगे। अभी हम लोग देखिए, अगर ये लिखे हैं x प्लस वन इक्वल टू जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू जेड माइनस वन, इसको इधर ले आएंगे सिंपली। तो वही किए हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, x की जगह पे हम लोग ये जेड माइनस वन को पुट कर देंगे, और ये x प्लस वन की जगह पे तो हम लोग लिखे ही थे ये जेड होता है, तो वो पुट कर देंगे। तो जेड माइनस वन और जेड, ये हम क्यों लिख रहे हैं जेड माइनस वन ये और ये जेड, ताकि ये जेड का फॉर्म में आ जाए और हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो, एक्स वैक्स ना रहे। अगर ऊपर जेड रहेगा नीचे एक्स रहेगा तो फिर सॉल्व होने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग ऐसे किए, एक्स प्लस वन का वैल्यू जेड होता ही है वही डाल दिए, और एक्स का वैल्यू यहाँ से जेड माइनस वन होता है वो डाल दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जनरली ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई जेड क्यू। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सिंपली सा है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन, बस इंटू कर दिए, कुछ आगे किए नहीं है इसमें, वन का स्क्वायर वन हो गया। अब देखिए ये तीनों ऐसे है ना, तो अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, यानी कि जेड स्क्वायर बाई जेड क्यूब माइनस का माइनस टू जेड बाई जेड क्यूब, उसके बाद फिर प्लस वन बाई जेड क्यूब। इस ये जो जेड क्यूब है ये तीनों के साथ है, तो इसको सेपरेट करके लिखती है, ठीक है, और ये सबका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देंगे, जेड स्क्वायर और जेड माइनस टू जेड का स्क्वायर प्लस ये क्या कर रहे हैं, जनरली काट दे रहे, ये जेड स्क्वायर से ये जेड कट जाएगा, तो मतलब ऊपर वन बच गया नीचे जेड हो गया, इससे क्या कट जाएगा, इससे ये जेड से एक जेड कट जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी टू बाई जेड स्क्वायर होगा, ये टू है, ठीक है, और ये प्लस जेड का जेड क्यूब होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब इस तीनों को जो लिखे थे उस तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, तीनों को अलग अलग लिख दिए हैं, ये सिंपली इसको अलग अलग लिख दिए हैं, ये जो 2 है इसको बाहर कर दिया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 1 बाई जेड स्क्वायर, सिंपली वही किए हैं, यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया, 1 प्लस जेड स्क्वायर को अंदर ही रखती, 1 बाई जेड स्क्वायर को। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब देखिए इस पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ये, अगर आप ये क्वेश्चन को स्किप भी कर देंगे चलेगा, क्योंकि अगर आपने 12 में मैथ्स नहीं लिया था, नहीं था आपका साइंस, तो आपको ये सब फॉर्मूला याद करना बहुत लेंदी हो जाएगा, ये सब आपका टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय अगर जेड ऐसे रहेगा डी जेड, तो वैल्यू आता है लॉग जेड, ठीक है। अगर 1 बाय एक्स डी एक्स ऐसे रहता है तो इसका वैल्यू आता है लॉग एक्स, ठीक है, लॉग रूट एक्स। इसी तरह से 1 बाय जेड स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ये जो देखिए ये 1 बाय जेड स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर में है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, यानी जेड बाय को हटाएंगे तो यानी जेड माइनस टू हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें प्लस एन कर देंगे ऐसे, जेड स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, इसको ऐसे समझिए, टू द पावर एन है, तो इसको कैसे करेंगे, एन एन प्लस वन और फिर एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही सॉल्व किया यहाँ पे। तो ये माइनस टू प्लस वन हो गया, फिर माइनस टू प्लस वन हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वन हो जाएगा, जेड टू पावर माइनस वन और ये नीचे माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाय माइनस वन बाय वन बाय जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर पे है, ठीक है, ये ऊपर माइनस नहीं है, ये जेड टू द पावर वन बाई वन ऐसे है, ठीक है। तो आप इसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये जनरली हो जाएगा वन बाई जेड, ठीक है, इसको इसको सिर्फ बाय में किए ये, और ये माइनस का माइनस, इसलिए ये वन बाई जेड हो गया। इसी तरह से जेड क्यूब को भी करेंगे तो ये बाय में है, इसको ऊपर लेके गए तो साइन माइनस का हो गया, फिर उसी तरह से इसको ऐड कर देंगे, माइनस थ्री प्लस वन, सेम फार्मूला यही वाला, वही कर दिया, फिर जेड जेड का पावर माइनस स्क्वायर हो गया बाय माइनस टू, ठीक है। इस जेड स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वन बाई जेड स्क्वायर, वही लिख दिए वन बाई जेड स्क्वायर, और ये माइनस, और ये इसको वन बाई टू को वन बाई टू कर दिया, और ये माइनस का साइन माइनस का है, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसको जनरली यहाँ पे लिख देंगे, पुट कर देंगे, यानी जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ले आए हैं
ये, तो वही लिख देंगे ठीक है, जेड स्क्वायर का वैल्यू। उसी तरह से माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये लेके आए, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बस सॉल्व कर देंगे, लॉग जेड का लॉग जेड हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, टू द पावर जेड हो जाएगा ये, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन इंटू टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपली सॉल्यूशन, और ये प्लस सी। ठीक है, इसको अब यहाँ पे जेड का वैल्यू हम क्या लिए थे, जेड का वैल्यू एक्स प्लस वन था, तो बस जहाँ जहाँ जेड का वैल्यू है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वन को पुट कर दिए, यहाँ पे लॉग जेड के साथ एक्स प्लस वन, जेड के नीचे फिर एक्स प्लस वन, और ये जेड स्क्वायर, तो यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, ये प्लस सी डाल दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, तो हम लोग इस वीडियो में देख लिए वन का बी और सी, और अब मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा इसके आगे एक पार्ट का। ठीक है, तब तक बने रहिएगा, धन्यवाद।